ओए हेलो, कौन हो तुम? और इतने सालों से तुम हिंदी के पीछे काहे पड़े हो? और कोई भाषा नहीं है क्या तुम्हें इस दुनिया में सिखाने के लिए? अरे यार, ये होगी कोई वेले बैठने वाली इंडियन लड़की जो सुबह से लेकर शाम तक चपड़ चपड़ किए जा रही है। क्या आप लोग भी मेरे बारे में यही विचार रखते हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश हब में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है शशि और मैं एक श्रीलंकन कंटेंट क्रिएटर हूं और दुनिया भर के लोगों को मैं हिंदी पढ़ाती हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम हिंदी ही क्यों पढ़ाते हो, और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास पढ़ाने के लिए, और वैसे भी हिंदी पढ़ाने का मकसद क्या है? तो फिर मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाती है और बहुत सारे लोग हिंदी समझते भी हैं। इस वजह से हिंदी जो है ना, वो दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक जरिया बन चुकी है। बहुत सारे श्रीलंका के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। वैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे कंट्रीज के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिंदी बोलने वाले कम्युनिटी के साथ हमारे देश के लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल में श्रीलंकन्स को हिंदी जान लेना जो है ना, वो काफी फायदेमंद होता है। हिंदी की वजह से श्रीलंका के लोग जो है ना, वो बहुत ही आसानी से अपनी नौकरी कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ से दुनिया भर के लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का मौका भी इन्हें मिल रहा है। दूसरी तरफ से श्रीलंका के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में हिंदी जो है वो एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। तो ऐसे में यहाँ के स्टूडेंट्स के पास हिंदी पढ़ने और लिखने का तो ज्ञान वैसे भी है, लेकिन ये लोग कभी अच्छे से बोल नहीं पाते। हिंदुस्तानियों के अलग अलग डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स जो है ना, वो तो यहाँ के लोग वैसे भी नहीं समझ पाते, और ऐसे उलझनों को सुलझाना जो है ना, वो हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारे इंग्लिश शब्द जो है ना, ये हर एक प्रकार के स्टूडेंट्स के काम आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग श्रीलंका में हैं जो कि हिंदी गानों के पीछे पागलों की तरह दीवाने हैं और हिंदी फिल्मों को ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि बिना किसी सबटाइटल के हिंदी गाने सुने और ये सब जो मूवीज जो है ना, वो सब अकेले समझे। तो ऐसे माहौल में हमारे इंग्लिश हब में जितने भी वीडियोस हैं, ऐसे हिंदी प्रेमियों के बहुत काम आते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सब लोगों को हिंदी के बारे में जानकारी मिले, सब लोग हिंदी में बात करें और सब लोग हिंदी समझे। तो इसके जरिए हिंदी बोलने वाले समाज और श्रीलंका के लोगों के बीच में भाईचारा जो है ना, वो और भी आगे बढ़े और ये मित्रता जो है ना, और भी आगे बढ़े, यही हमारा मकसद है। श्रीलंका के संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के मान्यताएं, यहाँ के खाना वाना, ऐसे चीजों के बारे में बहुत सारे जानकारियां जो है ना, वो हमारे इंग्लिश हब से आपको मिल जाएगी। और मैं एक हिंदी बोलने वाली श्रीलंकन कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में सही सही जानकारी आपकी अपनी भाषा में आप तक पहुँचा सकती हूँ, और मैं अभी भी वही कर रही हूँ। तो फिर दोस्तों, हमारे इंग्लिश हब के साथ आप लोग हमारे श्रीलंकन कल्चर को भी एंजॉय कर सकते हैं, और जब आप लोग श्रीलंका में आओगे ना, तो ये जो जानकारी आपको मिल रहा है वो सब आपके काफी काम आएगी। तो इसीलिए आगे भी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। तो फिर ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।